उज्जैन शहर में बाबा महाकाल विराजमान हैं। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुँचते हैं और बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए शीश नवाते हैं। वहीं उज्जैन जिले के महेंद्रपुर तहसील में नारायण धाम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की है। इस दौरान तेज बारिश होने पर चने खाकर रात गुजारी थी। ऐसे पावन पुनीत नारायण धाम पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे क्रम बाय क्रम सभी लड़कों का नंबर पूर्ण हो जाता है। भगवान कृष्ण गुरुजी से लकड़ी लाने की आज्ञा मांगते, गुरुजी इनको मना किया करते थे, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि भगवान कृष्ण का अवतार इनको जंगल नहीं भेजेंगे। परंतु गुरुजी के अलावा किसी को पता ही नहीं था, सभी को यही मालूम था कि बालक पढ़ने वाले हैं, ऐसे ये भी बालक ही है। एक रोज गुरुजी नदी स्नान के लिए गंगा घाट चले गए। तो पुराना है, कम से कम 5 साल, 5,000 पुराने हैं, 5,500 वर्ष पुराना है। और यहाँ भक्तों आशा लेकर आते हैं, उनकी आशा सब परमात्मा पूरी करते हैं, यहाँ किसी को भी निराश नहीं करते हैं। क्या नाम से जाना जाता है धाम और क्या रहता है? यहाँ जहाँ श्री कृष्ण सुदामा शांतिवनी आश्रम से आए थे लकड़ी लेने, तो यहाँ गुरु माता ने चने बांधे थे, तो सुदामा जी और कृष्ण भगवान दोनों मित्र हैं, तो लकड़ी बीनते बीनते सुदामा जी चना पाने लग गए। भगवान तो अंतर्यामी है, तो सुदामा जी को भगवान ने कहा कि हे सुदामा जी, थोड़ा बहुत गुरु माता ने चने बांधे थे अपन पाले थे, तो प्रभु कुछ भी नहीं है अभी, तो आपके ये क्या बज रहा है, तो प्रभु मेरा दांत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।